देखिए, महंगाई तो ऐसी हो गई कि डीएपी लापता है, लोगों को डीएपी नहीं मिल रहा है, खेती करेगा कैसे, खेती होगी कैसे? डीएपी नहीं मिल रहा है नहीं, तो सरकार तो चिल्ला चिल्ला के करे कि उर्वरक की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, यहाँ किसान को मिलिए नहीं रहा है। क्या रेट लग रहा है? ब्लैक मार्केटिंग में जा सब रखे हुए है व्यापारी सब, देता नहीं है किसान, ब्लैक करके बेचा जाता है प्रत्येक साल, यही है बात। यही बात है। तो अभी क्या रेट लगता है डीएपी? अभी तो 1700-1800 रुपया में डीएपी देता है, जबकि सरकार निर्धारित किए हुए है 1300 रुपया। यही तो बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं करते कृषि विभाग के अधिकारी? कृषि विभाग के कोई अधिकारी नहीं। अब आते आएंगे क्षेत्र में टहलेंगे, कहाँ डिओडिंग कर रहा है, कहाँ रखे हुए है, किसान को नहीं दे रहा है, ये सब कर रहा, उन लोगों का काम नहीं। शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है? नहीं, और लोग घूमते भी नहीं है? नहीं, सबसे मूल बात है कि अपने ऑफिस में रहेंगे बैठे हुए। तो किस इलाके की बात बता रहे हैं? इस इलाके में, यही जिस इलाके में हम लोग हैं उसी इलाके में, दूसरे इलाके में भी गए हैं उस से उधर, तो उधर भी वही स्थिति लोग का। तो फिर आप लोग तो खेती किसानी चौपट हो जाएगा आप लोगों का? तो परिस्थिति वही है, दूसरा मिक्सर खाद दीजिए, फलना कीजिए, चिल्ला कीजिए, डीएपी इज नॉट अवेलेबल। कैसे नहीं है, प्रोडक्ट इतना हुआ किसान को मिलिए नहीं रहा है, तो किसान केवल डिहोर्डिंग करके उसको जमा रख करके ज्यादा दाम बेचने का काम चल रहा। तो दाम जब ज्यादा देते हैं तो उपलब्ध हो जाता है? हाँ, तब मिलता है, जहाँ तहाँ, वो भी चोरी चिप चिप पे, और कम दाम पर जो है सो उपलब्ध नहीं हो पाता, कहा जाता कि नहीं है? नहीं। तो इस तरीके से यह देख पा रहे हैं समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र की यह स्थिति है। कलौंजर एवं आसपास के जो किसान हैं परेशान हैं कि डीएपी की उनको सख्त ज़रूरत है, खेतों में डीएपी की ज़रूरत है और किसानों को मिलना मुश्किल हो गया है। अगर ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो सहज रूप से उपलब्ध भी हो पाता है, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में कोई ना कोई विकल्प तलाश ली जाती है देने के लिए, लेकिन जब तय रेट का बात होता है, तय कीमत दी जाती है, तो दुकानदार बहानेबाजी शुरू कर देते हैं, टाल मटोल शुरू हो जाता है। और इस तरीके से इलाके के लोग परेशान हैं। लगातार इन लोगों की मांग है, किसानों का कहना है कि शिकवा शिकायत करने के बावजूद जो कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इलाके में जो विक्रय केंद्र हैं उन लोगों का सतत निगरानी भी नहीं हो पा रहा है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, समस्तीपुर बिहार।